प्यार में गुजार तो दे। मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं तो क्या मैं भूल गई क्या कह रही थी। हाँ, क्या? बिखर में को मिलते हैं दिल यार। अरे यार, ये आटे की बोरी किसने रख दी रास्ते में? यार ये बिजली का खंभा कहाँ से आ गया बीच में? मेशी तू, शेरू तू, तू इस वक्त गार्डन में क्या कर रहा है भाई? मैं तितलियां पकड़ रहा हूँ। नया धंधा शुरू किया, तितली एक्सपोर्ट, खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। अच्छा, बड़ा शेर बना फिरता है तितली मार। ओए, वो अपने डूबे हुए पैसे उस पटियाले वाले खन्ने से निकलवा के दिखा, तब मानेंगे। अच्छा, ताकि मैं पटियाले जाऊँ और तू पीछे से अपना काम कर जाए? पटियाले भी मैं उसे लेके ही जाऊंगा अपने साथ। क्यों विलन जैसी बातें करता है यार? तुझे साइड हीरो का रोल दे रहा हूँ, वो ही निभाना। और आज के बाद संजना जी को भाभी की नजरों से देख। अच्छा, और तू कौन सी राम वाली अपनी जो इमेज है उसको निभा रहा है? तू जो किरदार निभा रहा है तेरे पे सूट नहीं कर रहा। हीरो बनना है तो दोस्त के मुंह के ऊपर लड़की मार और खुद जंगल निकल जा। और याद कर शेरू, जब संजना के चक्कर में तू मुझसे लड़ा था तो तूने कसम खाई थी कि आज के बाद तू किसी लड़की की वजह से मुझसे नहीं लड़ेगा। अब पट्टी मार रहा है। ओए पाप चढ़ेगा पाप। झूठ, कसम तूने खाई थी, वादा मैंने किया था, पाप का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तू है। ओ यार शेरू, तू तो यार सेलर है, हर लड़की के दिल में पोर्ट बना लेता है, तो फिर संजना ही क्यों? क्योंकि संजना को जितना तू चाहता है उतना मैं भी। यार संजना मेरा पहला प्यार है, और समझा कर, पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता। संजना मेरा भी पहले पहल वाला प्यार है, मैंने भी जवानी के 4-5 साल वेस्ट किए हैं उस पे। ओ यार शेरू, तू तो कैसनोवा के साथ कैशनोवा भी है यार, तुझे तो कोई भी मिल जाएगी, तुझे क्या फिक्र है? मिशी, इस उम्र में लड़की वही पढ़ सकती है जिसका पास कुछ वैसे वाला हो। हम पहले लड़की का पास सुनते हैं और जब तक उसका किस्सा खत्म होता है उसके पास के हिस्से बन चुके होते हैं। सो संजना सूट्स मी। संजना सूट्स मी। अच्छा भाई, अब संजना ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बड़ी हो गई है। वो बड़ी नहीं हुई, तू छोटा हो गया है, तेरी मत मारी गई है। मैंने कहा था ना तेरे से एक बार कि अगर तुझे कोई चंचल औरत मिलेगी तो पूछूंगा। तब तो मेरी सेक्रेटरी सपना को भगा के बड़ा महात्मा बन गया था। ओए पागला, संजना चंचला है, वंस एन औरत चंचला ऑलवेज चंचला, इसलिए संजना को तू मेरे लिए छोड़ दे। और शर्म कर शेरू, शर्म कर, मत भूल के तेरी एक बीवी है, तेरा एक घर है, तू शादीशुदा है शेरू, शादीशुदा है, शादीशुदा है। और तू भी मत भूल कि तेरी एक बीवी हो चुकी है और दूसरी होने वाली है। मत भूल शेरू कि तेरी एक बच्ची है, और तेरा फर्ज है कि तू उसके हाथ पीले कर, ना कि अपने। और बच्चे तो तेरे भी हैं, तेरी तो शादी लायक एक जवान बेटी है, वो क्या सोचेगी कि तू उसकी शादी को छोड़कर अपनी सेटिंग करता फिर रहा? बात तो सही है शेरू भाई, सोचना हमें अपने बच्चों के बारे में चाहिए, और हम अपने बारे में सोच रहे हैं। हाँ यार, वैसे अगर लोगों को पता चले कि हम किस बात पे लड़ रहे हैं तो वो हम पे कितना हंसे। रियली यार, वैसे हम कैसे भूल गए अपने फर्ज को, अपने रुतबे को, अपनी हैसियत को, और सबसे बड़ी बात यार अपनी दोस्ती को। यार बाई गॉड, अंदर से तो मैं भी फील कर रहा था, मुझे खुशी नहीं मिलती तुम्हें या अपने घर वालों को दुख देकर। चल जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और मान लेते हैं कि ये सब काम हमारे शरीफों के नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है यार, मैंने देखा है जब भी मैं ये काम करता हूँ मुझे बड़ी टेंशन मिलती है। हाँ यार, हर चीज की एक उम्र होती है, ये हम कैसे भूल जाते हैं। Trust me, the film was so good, so good. Hi. Good morning, morning. Yeah, I was telling the film was really good. Trust me. Meshi, तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं आया। और रुक जा शेरू। भैया शेरू, यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम संजना जी को मिलने का टाइम आपस में बांट लें? You mean shift wise? हाँ ठीक है, लंच और डिनर टाइम मेरा, ब्रेकफास्ट और इवनिंग टी तेरी। मंजूर है, क्या है ना, मिलजुल के काम करेंगे तो दोस्ती भी बनी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शेरू यार, चीटिंग मत करियो यार, ये कोई मेरी उम्र है चीटिंग करने की? प्यार की है,
आओ। चलिए भाई चलिए, बहुत आराम हो गया। संजना तुम थका देती हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं और मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी। Well, that is besides the point. मैं सोच रहा हूँ कि सेम रूटीन वाली जिंदगी से बोरियत सी हो गई है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए फॉर अ चेंज? I think you're right. वैसे अपनी बीवी से कब मिलवा रहे हो भाई? उससे दोस्ती तो करवा दो, कहीं बेचारे को ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें भगा कर ले गई हूँ। चाहता तो मैं भी हूँ कि हम तीनों मिलजुल कर रहे, एक हंसता खेलता परिवार हो, पर अफसोस कि वो आपको समझ नहीं सकती। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? संजना आपके ख्याल ऊंचे हैं, ब्रॉड हैं, उसके घटिया और नैरो हैं। वो हमारे पाक रिश्ते को कभी समझ नहीं सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि शादी के बाद लड़कियां इतनी नैरो माइंडेड क्यों हो जाती हैं। वो तो है। वैसे शेरू, जहां तक मुझे याद है आपकी तो शायद लव मैरिज हुई थी ना? हुई तो थी, पर उस वक्त मैं नींद में था। प्यार एक ख्वाब है, एक प्यारा सा हसीन ख्वाब, और शादी शादी अलार्म क्लॉक है, जैसे सर पे बजती है सारी नींद उड़ जाती है। How rightly said. वैसे ये सच है कि प्यार शादी का हिस्सा होता है, और ये भी सच है कि प्यार अंधा होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शादी तो इंस्टीट्यूशन ही अंधों का है, तो उसमें आप और मेरे जैसे समझदार और आंख वाले कैसे फंस गए बताइए। ओ जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे पीछे मेरे रिश्तेदार और घर वाले पड़ गए। कहने लगे मुंडा जवान हो गया है, पड़ोसियों की खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने लग गया है, इसका ब्याह करो। मैं जिस शादी या फंक्शन पे जाता था तो बुढ़िया मुझे कोनिया मार मार के कहती थी, ओए अगला तेरा नंबर है, वे अगला तेरा नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बुढ़ियों से परेशान होकर शादी की है? हाँ? नहीं नहीं, फिर उन बुढ़ियों को तो मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, कैसे? भाई जो बुड्ढी मुझे किसी की मौत पे मिलती थी, मैं उसे कोनी मार के कहता था अगला तेरा नंबर है। लेकिन फिर मैं चारू से प्यार कर बैठा। अब प्यार कर बैठा फिर शादी तो होनी ही थी। अब संजना आप तो जानती हैं कि प्यार का अंत शादी ही है। That's rightly said. संजना जी के साथ, लेकिन सुबह तो मेरा मिलना तय हुआ था संजना जी के साथ, धोखेबाज। अरे ये तो हंस भी रहे हैं, हंसी तो फंसी। डॉक्टर महेश कुछ करो वरना कम वक्त ले जाएगा। वैसे ये बात ना आपने बिल्कुल ठीक बोली, शादी वाकई प्यार का अंत होता है। आपको पता है, हर लड़की की तरह ना मैं भी ये सोचती थी कि एक दिन सफेद घोड़े पर बैठ के एक राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ सोने के महल में ले जाएगा, और फिर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। Well, to a certain extent, ये हुआ भी। राजकुमार आया, लेकिन मुझे अपने साथ सोने के महल में नहीं लेके गया, क्योंकि वो खुद सोने का था। Absolutely emotionless. वैसे राजकुमार के नाम से मेरी माँ भी मुझे बुलाती थी, लेकिन मेरे पास सफेद घोड़े की जगह सफेद मारुति है, लंबी वाली, जिस पर हम दोनों बैठ के इन इमोशनलेस लोगों से दूर एक नई दुनिया में जा सकते हैं। मैं कितना अकेला हूँ और तुम कितनी तन्हा, हम दोनों अकेलों को जरूरत है। नाना, तू अकेला कहाँ है? तेरी बीवी बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ अकेला अकेला खेल रहा है, बल्कि चारू भाभी तो कह रही थी। हेलो संजना जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, जस्ट एक्सक्यूज अस फॉर अ मोमेंट। नो प्रॉब्लम। ओ शेरू, दगाबाज मेरे टाइम पे लगा हुआ? मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। देख शेरू, मिशी, ये दिल के मामले हैं, ये वक्त के दायरे में नहीं बांधे जा सकते। और मैंने और भाभी ने मिलकर तुझे रस्सियों से बांध देना है, शायरी करता है बड़ा। मैं कहता हूँ शेरू, तू बाज आ जा, वरना तेरे घर में ऐसी आग लगाऊंगा कि तेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। लगा ले, जब मैं घर लौट के आऊंगा मेरा एक नया घर तैयार होगा। हम दोनों बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी, अपना अपना अकेलापन दूर करने। ओए, तू तो जब जाएगा जाएगा, भाभी यहाँ आने वाली हैं। मैंने उनको तेरे और संजना जी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है।
और मैंने उनसे कहा 10 मिनट में लॉन में मिलो, एक सरप्राइज देना है। वो तेरा बेड़ा गर्क, वो तेरी बीवी नहीं है, इसका मतलब तुझे बीवी वालों का घर उजाड़ने का हक मिल गया। अभी तो मैं चलता हूँ, पर तू देख मैं क्या करता हूँ। संजना। हाँ जी। ठीक, इमरजेंसी आ गई है, मैं फिर मिलता हूँ। नो प्रॉब्लम। बाय शेरू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अरे इनको क्या हो गया? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तेरी बीवी याद कर रही है। अब देखिए ना, बीवी की याद सब कुछ भुला देती है। वैसे ये तो है। वैसे संजना जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप शादी से बड़ा नाखुश हैं। अब आप बताइए, हर आदमी तो ऐसा नहीं होता बुरा। मेरे ख्याल से आप ऐसे नहीं हैं। अब देखिए ना, आप जैसा हस्बैंड तो किसी नसीब वाली को ही मिल सकता है। इतने टाइम से मैं आपको जानती हूँ, आप जैसा लविंग, आप जैसा केयरिंग, आप जैसा हैंडसम और कुवारा भी। That's right. ऐसा मुझे कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ संजना जी कि अपने आप को अकेला महसूस करना छोड़ दीजिए। जी नहीं समझी? नहीं, आइए समझाता हूँ। देखिए ना, आपको शादीशुदा पति तो मिल जाएगा, लेकिन शादीशुदा कुवारा नहीं मिलेगा। क्या हुआ, बदहजमी हो गई? बताओ तो सही, पहले तो कभी ऐसे हिल हिल करनी चले। कहीं दर्द हो रहा है? क्यों, तूने दर्द पे नमक छिड़क? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मेशी की वजह से। He is now a pain in the neck, neck क्या? Everywhere. महेश भाई साहब, मैं मान ही नहीं सकती, वो तो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। हाय रब्बा, दिखा। चारू, मुहावरा बोल रहा हूँ। मेशी वो दोस्त निकला जो दोस्त के लिए कारपेट तो बिछाते हैं, जैसे ही आप अपना कदम उस पर रखते हो कारपेट खींच लेते हैं। दोस्त के सर पर छतरी लेकर घूमेंगे और जैसे ही बारिश आएगी छतरी हटा लेंगे, अब समझी? हाँ, पर उन्होंने आपको कारपेट नहीं दिया या छतरी? उसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसने मेरी तेरे साथ शादी करा दी। तेरे को समझ में नहीं आती, और बंदा शादी करता है दुख दर्द बांटने के लिए। औरतों को समझ ही नहीं है तो दुख काक बटने। लो जी, अब गुस्सा किसी और का उतरेगा मुझ पर। ओ तू जा ना, काम कर। आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि चक्कर क्या है? बात बता के क्या फायदा? उस बात में एक ऐसा सेंटीमेंट जुड़ा है जो तू ना कभी समझी है ना समझेगी। कोई लड़की का चक्कर है? तूने कैसे जान लिया? क्योंकि बाकी के सेंटीमेंट्स तो आपके मैं समझ जाती हूँ। बात ये है कि मेशी गलत राह पे निकल पड़ा है, और जब मैं उसे रोक रहा हूँ तो मुझे ही बुरा भला कह रहा है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको कोई दर्द दे रहा है, आपका कुछ छिन रहा है। अभी छिन ऐसे रहा है कि मेशी गया है फंस। अब मैं कहता हूँ कि जिस चीज में तू फंस गया है मैं फंस जाता हूँ, तू निकल जा। भी दोस्त दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करता है ना आफ्टरऑल, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपका छिन क्या रहा है? ना समझ, मेरा सुकून छिन रहा है। जिस खेल में मेशी फंसा है उस खेल का वो खिलाड़ी नहीं है, और मैं कहता हूं कि मैंने खेल के निकल जाना है और किसी को पता भी नहीं चलना। लेकिन इसमें मुझे आपका तो कोई सैक्रिफाइस लग नहीं रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि महेश भाई साहब के पास ऐसी कोई चीज है जिसे आप चाहते हैं और वो देना नहीं चाहते। ओए हाथ, अभी किसी के नहीं आई वो चीज। मैं तो कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। मेशी तो पॉलिटिक्स में उतर आया है। देखो जी, ना तो कभी आप इतने एक्साइटेड हुए हो, ना आप महेश भाई साहब से लड़े। ये तो कोई जान से भी बढ़कर चीज है जिसे आप खोना नहीं चाहते। अरे मेरी जान से बढ़कर तो तू है चारू, लेकिन तुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट तेरे लिए? नो 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 चारू, यू आर सैडली मिस्टेकन। पता है मुझे, मेरी जान से भी बढ़कर आपकी कई सीजनल जाने जाना आई हैं,
अब सीधे सीधे बता दो, ये लड़की का चक्कर है ना? वाह चारू, वैसे किसी बात में तेरा दिमाग चलता नहीं है, लेकिन इस मामले में तो तू कमाल ही कर देती है। I'm falling in love with you again, चारू। खबरदार, खबरदार जो अब ये चक्कर चलाया तो मैं तंग आ गई हूँ। आप अगर आप मुझे इस घर में देखना चाहते हैं तो जाकर महेश भाई साहब से माफी मांगे, उनसे सुलह कीजिए। चारू तू मेरी पत्नी होके महेशी का साथ दे रही है? पत्नियां अपने पति की विजय के लिए क्या नहीं करती, व्रत रखती हैं, तिलक लगाती हैं, भूखी मरती हैं। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन अब किसी और को बीच में नहीं आने दूंगी, समझे? और दूसरी आ भी गई तो क्या बिगड़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो भी पत्नियां कहलाएंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद चारू बेवा तो तू ही कहलाएगी। मिस्टर शेरूस बेवा, मिसेस शेरू। पता नहीं पत्नियों को ये बात समझ में नहीं आती। राहुल, अब मैं घर जाऊं? क्यों, तुम्हारा मन कर रहा है घर जाने को? नहीं तो? तुम भी यही चाहती हो ना कि वक्त यहीं रुक जाए और हम दोनों कभी जुदा ना हो? नो मालू, ये प्यार मुझे दीवाना बना रहा है। पहले मैंने कभी किसी की इतनी तमन्ना नहीं की, कभी किसी को इतना नहीं चाहा। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस कर रही हो? मुझे तो सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा है। सच? प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इन पलों को मैं कभी खोना नहीं चाहती राहुल। अच्छा तो फिर खड़ी हो जाओ। हाँ मालू, खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो जाओ। है ना मालू, ये सारे सिम्टम्स हमें बता रहे हैं कि हम दोनों को तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। मालू, मालू, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो ना मालू। झूम ले, नाच ले, ना कर इंतजार, बड़ी खुशी के चक्कर में नन्ही ना कर बेकार। है कितनी है खुशियाँ, तेरा दामन भर जाएगा इतनी है खुशियाँ। सोच सोच घबराना प्यारे, कर ले तू मस्तियाँ। सोच सोच घबराना प्यारे।